हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर ए मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है एंड द क्वेश्चन इज रिटन ओवर देयर एंड इट्स नंबर इज 20th क्वेश्चन. सो इट्स क्वेश्चन नंबर 20. सो बाय मिस्टेक I solved the earlier question, question number 19. That is why कि वो मिटा नहीं. आप ये question number 20 and the question is like this. Show that the right circular cylinder of given surface area. Right circular cylinder means the simple cylinder as you know. ऐसा regular cylinder जिसको आप जानते हो, उस type के cylinder की ही बात करना चाह रहे हैं. ये एक cylinder है, इस type का cylinder right circular cylinder है. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, द सेम सिलेंडर व्हाट यू नो, जैसा आप जानते हैं वही सिलेंडर है. और इस केस में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन सरफेस एरिया. तो वी आर गिवन सरफेस, तो सरफेस व्हाट काइंड ऑफ सरफेस, तो क्या क्लोज सरफेस है, सॉरी मींस टोटल सरफेस है और कर्व्ड सरफेस है. तो व्हेनेवर इट इज़ नॉट मेंशनड दैट इट इज़ कर्व्ड सरफेस और मींस लैटरल और टोटल, यू नीड टू कंसीडर द टोटल ओनली. तो आपको टोटल सरफेस लेना है. अगर वो ऐसा कहता ओपन है तो ओपन एट द टॉप, तो फिर आप उसमें से इस एरिया को माइनस कर देते, पर इस केस में ऐसा कुछ दिया नहीं है. तो हम इसमें क्या गिवन है, वी आर गिवन सरफेस एंड व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज, वी नीड टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम. तो सबसे पहले डाइमेंशंस ले लेते हैं. लेट एक्स बी द रेडियस एंड वाई बी द हाइट. एक्स को क्या मान लिया हमने, एक्स को हमने मान लिया है रेडियस और वाई को हमने मान लिया है हाइट. और वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल कौन है, हाइट. व्हेन हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, तो हाइट इज व्हाट वाई और डायमीटर ऑफ द बेस इज 2x. तो हमें वाई इक्वल टू 2x प्रूव करना है. लेकिन सबसे पहले हमें क्या गिवन है, तो उससे भी पहले स्टार्ट करते हैं हम अजम्पशन से. x क्या माना हमने, x मान लिया हमने रेडियस. y को क्या माना है हमने, ध्यान से सुनिए, y को हमने माना है हाइट. और सरफेस एरिया को हम कैपिटल S लिखेंगे, S सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया विल बी कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमें गिवन है. तो वट सो एवर वी आर गिवन दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, उसको कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे. और वी हम किसको मानेंगे, वी हम मानेंगे वॉल्यूम को. वॉल्यूम ऑफ वॉट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ओनली. तो सरफेस एरिया इज वॉट, सरफेस एरिया आपको मालूम है कि सरफेस एरिया क्या होता है. तो मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr r + h जो इस तरीके का होता है, तो आप s में इसमें वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा 2πx x प्लस वाई, 2πx² ये रेडियस r है, x इज वॉट, x इज रेडियस एंड y इज दिस हाइट. 2πx² प्लस 2πxy, 2πxy ये हो गया सरफेस एरिया. लेट दिस बी कंडीशन वन, जो गिवन कंडीशन होती है वो मान ली कि ये कंडीशन है. इसके पहले के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आगे के देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें देखें. और कोई चैप्टर देखना चाहते हो आप देख सकते हैं चैनल पे, सारी चीज़ें आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर से फ़ोन करें मैसेज करें, इट इज़ अप टू यू. आप ध्यान से देखिए, अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज वी, वी इसका होता है पाई एक्स स्क्वायर वाई. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई एक्स स्क्वायर वाई. इसमें दो चीज़ें, एक्स स्क्वायर और वाई. इससे क्या निकालना आसान है, आपको देखना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर निकालोगे तो दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, वो एक्स की टर्म्स में आएगा, इसलिए आप इससे वाई निकालिए. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू देखिए आप इससे, y की वैल्यू होगी s माइनस 2πx² अपॉन 2πx. वैल्यू वही निकालना है आपको जो फिर रिपीट ना हो. तो y अगर निकाला है तो y की वैल्यू y की टर्म्स में नहीं होगी. अब वो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, πx² एंड वैल्यू ऑफ y s माइनस 2π
x square upon 2 pi x. तो ये वैल्यू रख दी हमने, ये हमारे पास आ गया. इससे कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए. पाई कैंसिल, एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल. 1/2 कॉमन, कॉमन रखिए. मल्टीप्लिकेशन आसान है तो कर दीजिए. 1/2 ये हो जाएगा आपके पास एस एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब. अब वी ये आ गया. अब टू मैक्सिमाइज वी, टू मैक्सिमाइज वी डिफरेंशिएट करेंगे हम डी वी बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 1/2 एस एक्स का हो जाएगा एस माइनस इसका हो जाएगा 6 पाई एक्स स्क्वायर. अब डी वी बाई डी एक्स को रख दोस्तों जीरो से रखने की, इक्वेट करने की बारी. टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट्स पता लगाना है जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हमें इसको जीरो से इक्वेट करना है. किसको जीरो से इक्वेट करना है? डी वी बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है. तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज 1/2 को आप उधर भेज दें, एस माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज आपको ध्यान दो, इससे x की वैल्यू निकालनी है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एस अपॉन 6 पाई. एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि x डिस्टेंस है. तो रूट एस अपॉन 6 पाई, ये x का क्रिटिकल वैल्यू, मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसका क्रिटिकल वैल्यू, कि इस पॉइंट पे क्या हो सकता है वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है. पर हमें एक रिलेशन प्रूव करना है. एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. तो इस रिलेशन को वापस से आप यूज कर लो, री यूज दिस अबव स्टेप. क्या है आपके पास इस स्टेप में लिखा हुआ है? 6, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई. 6 पाई इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 6 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एस. एस की वैल्यू ले लो आप. तो एस की वैल्यू आप अगर इक्वेशन 1 याद हो आपको, या आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, तो एस की वैल्यू थी 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स वाई. 2 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई. अब ध्यान से देख लें कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है. तो सबका 2 पाई कैंसिल कर दें, 2 पाई कैंसिल कर दिया. सब में से x कैंसिल कर सकते हैं तो x कैंसिल कर दें, ये x कैंसिल कर दें, ये x कैंसिल कर दें. अब ये आपके पास जो x बचा है ये इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा आपका? 2x. और राइट साइड में क्या बचेगा? y. 2x इज व्हाट? डायमीटर. 2x क्या चीज़ है? डायमीटर. और y क्या चीज़ है? हाइट. तो ये आपके पास आ गया. क्या आ गया आपके पास? हाइट इज इक्वल टू डायामीटर. लेकिन अभी एक चीज बची हुई है. क्या बची हुई है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू वेरीफाई दैट इट इज व्हाट? इट इज मैक्सिमम. तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमें टू वेरीफाई वी इज मैक्सिमम हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर. तो हो जाएगा 1/2 एस कॉन्स्टेंट है बिकॉज इट इज़ गिवन. तो एस की जगह आ जाएगा 0 माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 12 पाई एक्स. ये हो जाएगा आपका माइनस 6 पाई एक्स. और एक्स की जगह क्या रखेंगे? एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, वो नहीं रखेंगे. वो रिलेशन है, ये वैल्यू है. एट x इज इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई. ये हो जाएगा आपका माइनस 6 पाई रूट एस अपॉन 6 पाई विच इज नेगेटिव. देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 2x, दैट इज हाइट इज इक्वल टू डायमीटर of the base. When height of the cylinder is equal to diameter of the base. तो दोस्तों ये था question number 20. काफ़ी अच्छा question था. Hopefully आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई problem हो तो आप मुझे WhatsApp call कर सकते हैं मेरे इस number पे.
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट।